एक आदमी फोन किया, मौलाना साहब ये किस्तों पर मोबाइल ले सकते हैं। मैं आकर तो किस आका किस्त मोबाइल गैर तेरा गुजारा नहीं है। मैं आकर तू कुंभलो कराया जब बेरिया टोन आला ते तेरा बड़ा कारोबार फैलिया तो मोबाइल लौड़ा कहीं ऐसे हजरत और नहीं। अच्छा शुरू शैतान कहते लाना माओ भी वहां बसाने असा मोबाइल कहते मौली साहब मैं तकरीर सुन सा गरीब नवाज साहब ने तकरीर सुन सा फलाने नाता नहीं ना सुन सा कारी साहब अब्बा ना पुत्र बड़ा नेक है बड़ा नेक ते जिस रजाई चाहना तो तलो इंडी ने फिल्म वैसा ना चलनी फिर पता लगना कि आईफोन अब्बा क्यों कहते हैं सारे वैसने बाबा पाए ओ बाबा उस तारे में एक वीडियो वेखी मसीती जी इमाम साहब का खुतबा देना ते जाकुत पिछे मस्जिद ने सैन पिलर बह के पे गेम खेडना खुतबे ने टाइम ए जे मुसलमान जिसे लोग फिर असा जरूरत नहीं अमरीका मारे या कोई मुल्क असा अल्लाह आपे जलील कर सी असी आपे पस्ती पैसा साहबा उरूज क्यों मिलया उन्हें मेरे भराओ अल्लाह रसूल की गल मनी है हर गलत अमल किया ने और साढ़े को वेखो ये हम तुम तकरीर सुन दो ना कुछ आदमी आखसुन जी मौलाना साहब तो बहुत तकड़िया गल कीतियां कुछ लोग आखसुन जी तकड़िया नहीं कीतियां जड़े आखसुन तकड़िया कीतियां वह क्यों आखसुन जड़े आखसुन नहीं कीतियां वह क्यों आखसुन इसकी वजह जड़े आखसुन ने तकड़िया गल कीतियां उन्हें दुई ना होनी साड़ उस वेखा यार ये आई साहब तो सूद खाना उस ताजी सही ठपौका सौ चंगी तकड़ी आई दिल नहीं साड़ अंदर नहीं साड़ पर कड़ना यार मौलाना साहब दो चार गल इसी भी करवाना जी किसी ना साड़ है ना ये साड़ू है जो तकरीर खुश पे होना तो जरा खफा पे होना उस पता कि मैं तले दो नंबरी कीती है तो उस्तादियां लगना अब्दुल वही साहब दस की आदमी जुआ खेड लाई मैं एक आदमी आना मैं हर जगह वजात करना कल जुमिश भी की वे क्यों माते मां मां पकड़े होवे ने ये गल सुन सारिया गल हरिपुर तो दसिया आए ऐसा किस दसता कि हरिपुर एक एक काम होने पाए नहीं मेरा भरा होने नहीं अल्लाह दिल पाना और पस पाई होना इस से अपने आप गुनाहों तो बचाओ और तबलीग कह दी होवे मैं इससे अगर इजाजत होवे तकरीबन मैं आना मेरा घंटा तो हो गया या घंटे को ज्यादा हो गया बस मैं आखिरी गल करना मेरी भी थकावट है सफरी सफरन रोजाना कल फिर वेना परसों फिर तरसों फिर रोजाना प्रोग्राम अल्लाह हिम्मत चाहती तुस को ला रहे हैं मैं ही नहीं आना मैं बीमार हाँ जिथे बीमार है तो मलकियार जाके बीमार हाँ हूं बीमार नहीं है डंडा सर्विस होने अलहमदुल्ला यह जी गल नहीं मगर मैं आना चलो जी हूं कल फिर तकरीर करनी है ये जितनी दवाई तुसा चाह दी है जड़ी फक्की चाह की ने यह कद कुट कुट पानी ना घिरने रहो थोड़ी 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 रोजाना एक चमचा चाह के ना करो एक महीने नहीं फकी है इंशाल्लाह मुकम्मल शुगर ब्लड प्रेशर कैंसर हेपेटाइटिस निक्का बुखार बड़ा बुखार सर दर्द जोड़ा ना दर्द हर दर्द ना इलाज है इतने इंशाल्लाह खा के वेखो महीने जा आराम ना आया अब्दुल वही साहब से राबता करे उस्ताजी फिर फक्की खिलाने के लिए आएगा इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे खा के वेखो ये वो फक्की ने इंशाल्लाह मैं उधर भी आ गया शायद तुम्हें उधर आना कि और कुछ भी ना होया ना तो त्रे चार चाड़े मैं तो उन्होंने खाप जाना रह सा मां नहीं बोल सकती आज रात ही तो आसा ही आसा ना वो एक आदमी आने उसताजी अल्लाह तेरा भला करे तो खाप जान के डना मेरे से चाया तो मैं नमाजी बना आना सुते आते तू डना कह गया उठो आना मैं उठ के बह गया मैं आपका अल्लाह करी खाप ये कद हकीकत आ गया उसताजी तो इस तो बह तुरे के नमाज पाठ अल्लाह राजी कर बंदे दर न वेख नबी नी सीरत पे अमल कर अल्लाह पाक ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों आखा अल्लाह इन्हें आज तक मैं तफसीर इतनी मैं ना उलमावा इशारा देवे ना अगर तफसीर वेखड़ी ने इस आयत नहीं की आयत नहीं मौलाना सनाउल्लाह साद शुजाबादी यकीन मनो इस एक आयत नी तफसीर हजरात उलमा 45 सफेद की जी 45 सफेद एक आयत नी तफसीर जी अल्लाह ने कसम 45 सफेद एक मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कहन के अजरन अजीम तक सिर्फ एक आयत की तफसीर 45 सफ़े थे और सहाबा ने मदद किताब लिखी ने असहाब नबी अल करीम फी आयात अल कुरान अल करीम ई किताब लिखी ने और सहाबा ने इतनी मदद सराई कर गए कि मैं ना सलूट मारना उस मुल्तान ने उस मौलवी साहबा के सहाबा ने मदद सराई इस किताब ने 1800 सफ़े लिखे ने 1800 सफ़े पढ़ो इस किताबा देखो सहाबा कैसी अजमत साहबा कुरान चो उजागर की ने कि साहबा कौन आए कुराना ना तौरात जिक्र आ इंजील जिक्र आ आप मोहब्बत आई
दुश्मना से सख्त आए, उन्होंने निशान चेहरे तो नूरानियत। उलमा लिखा जरा आदमी तहज्जुद गुजार होसी जरूरी नहीं कि मत है इतों काला होसी ता आदमी असी बुजुर्ग है। अगर रात तहज्जुद तुसी एक महीना पढ़ो काले आदमी ने भी इंशाल्लाह चेहरे ते ऐसा नूर आसी कि अगला आखिरी वाक्य यार नूरानी। हाँ जी कुरान आना तत्तजाफा जुनूबहुम अगे यदहून रब्बहुम फिर अगे फिर अल्लाह पे आना आना राती। अच्छा इस माना मैं अपनी छाछी जुबान ही करना इतना जाफा जला नहीं जफा तो निकला अल्लाह पागी पे आना कि जिस बिस्तर ते सहाबा सोने तत्तजाफा जुनूबहुम अनिल अल्लाह पाक आना बिस्तर तो उन्होंने पहलू इन्होंने जिस्म जुदा होना यानी अल्लाह पाक ये आना कि सहाबा इतने 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 मेरे वफादार हों कि बिस्तरा गिला करना अबू बकर थोड़ा जा मां भी टाइम देना हर टाइम ही मुसल्ले ते खलते हैं। अल्लाह ना बिस्तरे नाल बेवफाई की ने मगर मुहम्मद मुस्तफा नाल वफा की ने मेरे नाल वफा की ने। अच्छा इस आना छोड़ो तो सर कुछ मौलवी साहब है जिस 8 साल पढ़ा आपको ग्रामर पढ़े तो मैं हल्की जी कुछ तशरीह करना चाहना थोड़े जहा हाथ खिलाओ। मौलवी साहब भी आलम हो तुम भी आलम हो तुम भी मौलवी साहब ये कोई रस्मी किताबा पढ़ी है ना मेरे आंगन चलो कुछ ना कुछ एक गाल करना। अच्छा कुरान ने एक और आयत थे जिसने मैं थोड़ी जी तशरीह करना हल्की जाए देखो कुरान ने एक आयत साहबनी मदा एंड अल्लाह कीता कुरान किया ना कानू कलीलम मिनल लैल अगे 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 बस रुक मजो हूँ उलमा बैठे ना पता तुसा तो कोई सवाल नहीं जिन्हें नहीं पढ़ा जिन्हें ग्रामर पढ़े सर पढ़ने नौ पढ़ने उन आगे अल्लाह पाक ना कानू उलमा वा पता काना जड़ा ई अफाले ना किसा अल्लाह पाक ना कानू यानी नाकिस नाकिस तुमरा थोड़ा कानू कलीलन कलील के साथ आना थोड़े आसे अल्लाह पाक ना कानू कलीलम मिन तबीजिया मिन बयानिया नहीं मिन तबीजिया यानी थोड़ी जई थोड़ी जी टेल थोड़ी जी कानू कलीलन कानू थोड़ा कलीलन थोड़ा माँ तभी मिन तभी दिया थोड़ा माँ या जाऊन माँ नाफिया अल्लाह कहना कि सहाबा राती सोने आई नहीं माँ हर वेले याद करने रहने मेरे सामने खड़े वल्लजीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा अल्लाह ना इन्हें रातियां भी सज्जे इन्हें त्याड़ियां भी सज्जे ई राजी भी यूरी दू ना वजह अल्लाह राजी करने से त्याड़ भी अल्लाह राजी करने से अल्लाह ना इमां इतने चंगे लगे ने इतने चंगे लगे कि अल्लाह पाक कुरान जाना यो जिबु जुर्रा उलमा लिखा अल्लाह दर गल मनसूब होसी या रसूल दर होसी अल्लाह दर मनसूब होसी अल्लाह खुश होना साहबा वह के यो जिबु जुर्रा हाय हाय ये मुहम्मद यार। अच्छा एक गल दसा और उलमा लिखा कि ये जड़ी आयत है पूरी आयत मुहम्मद रसूलुल्लाह लेके अजर नाजीम तक इस आयत सिर्फ अल्लाह ने रसूल ने इतना तारुफ है मुहम्मद रसूलुल्लाह अगे और तस्करा अगे सहाबा 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 सारे सहाबा और सवाल पैदा होना अल्लाह रसूल ने थोड़ा जा तस्करा ते सहाबा ना इतना लम्बा तस्करा हाय हाय इमाम आले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह नी कबर ते करोड़ा रहमत नाजिल हजरत फरमाने अल्लाह अपने महबूब ने थोड़ा जा तस्करा करके सहाबा ने खसायल फजायल सिफात बयान करके दिता जिस नबी ने शागिर्द इतने चंगे तू नबी कह जाओ सी जिस नबी ने शागिर्द नहीं मिसाल है ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील अल्लाह पाक का नानी मिसाल पहले कोंपल निकली है बार फिर मजबूत होइए फिर तनावर होइए फिर चंगी लगी है पहले नबी आयन मक्के दावत दी थी अबू बकर जैद बिन हारसा हजरत खतीजा अली उल मुर्तदा चार नाल आ गए फिर उमर आया फिर हमजा आया फिर साहबा बदना बदना मक्के जो निकले मदीने आए फिर लश्कर बदना गया बदना गया बदना गया फिर फतेह मक्का आया फिर ऐलान होया इजा जा अनसरुल्लाह वल फत वर अन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा हुन फौज दर फौज आए अल्लाह पाक अन्ना मेरे महबूब तू कल्ला आया अबू बकर टच हो करना 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 1,24,000 ना बाग हो तैयार मैं कर छुड़ाई हूं तेरे जानसार वफादार गमखार तेरे तो जान देने वाले तेरे कोल आ गए ऐसा सूरत काफिज की फरमाया वस्बिर नफ्सका महल्लजीना फिर हुआ गाला लगी थी वस्बिर पक्का उमज कौल बे जमन
استقامت نل انہوں نے قول جڑے تیرے یارون تیرے وہ